प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 5/10/1967 वॉज इन प्रोग्रेस। गुरुवार को पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। ऑन थर्सडे वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द मिडल ऑफ पेज 1 कि जब ये रावण का राज्य है तो जो भी कर्म करते हो वे भी कर्म हो जाते हैं। When there is the kingdom of Ravan, all the actions that you perform turn out to be opposite actions. छी छी कर्म हो जाते हैं। They turn out to be dirty actions. क्योंकि राम राज्य तो है नहीं। Because it certainly isn't the kingdom of Ram. 2000 साल होता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर राम राज्य। There is the kingdom of Ram for 2500 years on this stage-like world. और 2500 साल होता है रावण राज्य। And there is the kingdom of Ravan for 2500 years. तो राम राज्य में तो छीछी कर्म न होने का कारण क्या है? So, what is the reason behind dirty actions not being performed in the kingdom of Ram? कारण है कि वहाँ तो ज्ञान इंद्रियों से कर्म होते हैं ना। The reason is that there the actions are performed through the gyanendriya, aren't they? कर्म इंद्रियों से कर्म करने की कोई बात होती ही नहीं है। There is no question of performing actions through the karmendriya at all. तो जब सतयुग में हो तब रावण राज्य नहीं है, त्रेता में हो तो रावण राज्य नहीं है। So, when you are in the golden age, there isn't the kingdom of Ravan. When you are in the silver age, there isn't the kingdom of Ravan. तो result क्या आता है? So, what is the result obtained? Result ये आता है कि वहाँ जो भी कर्म करते हो ज्ञान इंद्रियों से। The result obtained is that all the actions that you perform there through the gyanendriya, तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। Those actions turn out to be akarm. क्यों? Why? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों में भी ज्ञान रहता है ना। क्या ज्ञान रहता है? It is because there is knowledge in the gyanendriya as well, isn't there? What knowledge do they have? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। I the soul am a point of light. तो आत्मिक स्थिति में रह करके जो काम होते हैं। So, the actions that are performed in the soul conscious stage. कैसी आत्मिक स्थिति? What kind of soul conscious stage? लगातार आत्मिक स्थिति। Continuous soul conscious stage. ऐसे नहीं थोड़े समय आत्मिक स्थिति। It shouldn't be that there is soul conscious stage for a little time. और बाकी देवान। And there is body consciousness for the rest of the time. नहीं, वहाँ तो राम राज्य में कर्म अकर्म हो जाते हैं, इसीलिए कि वहाँ आत्मा की याद निरंतर रहती है। No, in fact, there in the kingdom of Ram, the actions become akarm for this very reason that there is the remembrance of the soul constantly there. यानी विकर्म होते ही नहीं है। इट मीन्स ऑपोजिट एक्शंस aren't performed at all. तो वहाँ विकर्मों का कायदा नहीं। सो देर isn't द रूल ऑफ ऑपोजिट एक्शंस देर। कर्म भी नहीं बनते हैं। इवन एक्शंस aren't performed. क्या? व्हाट? कि सुकर्म बनते हो वो भी नहीं। सो दैट यू थिंक दैट गुड एक्शंस वुड बी परफॉर्म्ड? नो, इट इजेंट सो ईदर। क्यों? वाई? सुकर्म तो बनने चाहिए। एट लीस्ट गुड एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। है? क्योंकि सुकर्म करना तो बाप ही सिखाते हैं, आत्माओं का बाप। इट इज बिकॉज द फादर ऑफ द सोल्स हिमसेल्फ टीचर्स टू परफॉर्म गुड एक्शंस। ये है कि वहाँ विकर्म नहीं होते। एज फॉर द रेस्ट इट इज सर्टन दैट ऑपोजिट एक्शंस aren't performed there. अकर्म हो जाते हैं। दे बिकम अकर्म। तो वहाँ विकर्म नहीं होते हैं,
तो उसका कायदा क्यों नहीं है. सो इफ ऑपोजिट एक्शंस aren't performed देयर, why isn't देयर अ रूल फॉर इट? है क्योंकि वहाँ ये पांच विकार. इट इज बिकॉज देयर दीज फाइव वाइसेस. क्या? वॉट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते ही नहीं. लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो aren't present at all. ये तो रावण राज्य की बात है. That concerns the kingdom of Ravan. वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं. There isn't the kingdom of Ravan there at all. और जबकि रावण का राज्य ही नहीं है तो उनको स्वर्ग कहा जाता है. And when there isn't the kingdom of Ravan at all, then it is called heaven. रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है. The ones who reside there are called the residents of heaven. देखो ये लक्ष्मी नारायण ये स्वर्गवासी थे ना. Look, these Lakshmi and Narayan were the residents of heaven, weren't they? ये भारत स्वर्गवासी था. This Bharat was the resident of heaven. कहाँ का वासी? The resident of which place? है? स्वर्ग में रहने वाला. The one who lives in heaven. और अभी? And what is it now? अभी कहाँ का वासी? Now it is the resident of which place? है? नरक का वासी. The resident of hell. नरक कौन बनाता है? Who creates hell? नरक बनाता है जिसे मनुष्य कहा जाता है. Man, the one who is called a human being, creates hell. कैसे बनता है? How is it created? है? मन उल्टे पलटे संकल्प करता है तो नरक बनता है. वाइब्रेशन खराब होता है. When the mind generates wrong thoughts, hell is created. Vibrations are spoiled. तो अभी फिर कहेंगे नरकवासी. So now you will be called the resident of hell. स्वस्थिति के वासी नहीं जो कहें स्वर्गवासी. Not the resident of the soul conscious stage, so that you are called the residents of heaven. है क्योंकि ये कारण है कि मन जो है जो वातावरण बनाने या बिगाड़ने वाला है. इट इज बिकॉज द रीजन इज दैट द माइंड विच क्रिएट्स और स्पॉइल्स द एटमोस्फियर. तो ये विषय गटर में डालता है. थ्रोज यू इन द गटर ऑफ वाइसेस. ऐसे संकल्प चलते हैं कि उस वाइब्रेशन में जो भी रहेंगे उनका मन विषय विकार में जाएगा. सच थॉट्स आर जनरेटेड दैट हूएवर स्टेज इन दोज वाइब्रेशंस हिज माइंड विल बी एंगेज्ड इन वाइसेस. अब ऐसे नहीं कि कोई एक इंद्रिय से ही होता है कर्म इंद्रिय से विषय विकार. नाउ इट इजंट दैट वाइसेस आर परफॉर्म्ड जस्ट थ्रू वन इंद्रिय जस्ट थ्रू द कर्म इंद्रिय. ये तो इंद्रियां व्यभिचारी बनती हैं ना. द इंद्रियां डू बिकम अडल्ट्रस डोंट दे. मन भी साथ में व्यभिचारी बनता है. द माइंड ऑल्सो बिकम्स अडल्ट्रस अलोंग विद देम. और यहाँ तो तुमको बाप सिखाते हैं एक बाप को याद करना है. एंड हियर द फादर टीचेस यू दैट यू हैव टू रिमेम्बर द वन फादर. तो व्यभिचार की बात ही नहीं. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अडल्ट्रेशन एट ऑल. तो इस दुनिया में ये विषय वैतरणी नदी में सब गोता खाते रहते. एवरी वन कंटिन्यूज टू डाइव इन द रिवर ऑफ द पॉइजन ऑफ वाइसेस इन दिस वर्ल्ड. तो ये दिखलाते हैं कि कैसे गोता खाते. सो दे शो दिस हाउ दे डाइव. बाबा ने समझाया था कि एक गरुड़ पुराण शास्त्र है. बाबा एक्सप्लेन्ड दैट देर इज अ स्क्रिप्चर नेम्ड गरुड़ पुराण अ स्क्रिप्चर फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी. कि गैया मनुष्य बिच्छू टिंडन वगैरह वगैरह. Cows, human beings, scorpions and spiders, etc. वो सब उसमें इकट्ठे रहते हैं ना. They all live together in it, meaning the river of vices, don't they? तो
तो ये दिखलाते हैं कि समय में ये जो भी मनुष्य मात्र है वो सब जैसे बिच्छू टंडन जैसे. सो दे शो दैट एट दिस टाइम ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स. एक दूसरे को काटते ही रहते. दे जस्ट कीप बाइटिंग ईच अदर. जनावर है ना. दे आर एनिमल्स aren't they? जनावर सब एक जैसे. दे ऑल आर एनिमल्स सिमिलर टू ईच अदर. यानी सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं. इट मीन्स एवरी वन कंटिन्यूज टू गिव सॉरो टू ईच अदर. तो ये मनुष्य भी एक दो को दुख देते हैं. सो दीज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव सॉरो टू ईच अदर. तो बाप कहते हैं कि बाबा अब हमको ऐसी जगह में ले चलो. सो द फादर सेज बाबा नाउ टेक अस टू सच अ प्लेस. है कैसी जगह. विच प्लेस. जहाँ इन बिच्छू टंडनों का नाम निशान न हो. द प्लेस वेर देर इजंट इवन अ ट्रेस ऑफ दी स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स. दुख का नाम निशान नहीं. वेर देर इजंट अ ट्रेस ऑफ सोरो. तो जहाँ दुख का नाम निशान नहीं था वो तो एक भारत देश ही था. सो वेर देर वॉजंट इवन अ ट्रेस ऑफ सोरो इट वॉज द कंट्री ऑफ भारत अलोन. अभी तो एक भारत देश है. वॉट इज इट नाउ. इज देर वन कंट्री भारत. अभी तो अनेकों देश अनेकों धर्म अनेकों धर्मखंड. नाउ देर आर न्यूमरस कंट्रीज न्यूमरस रिलीजन्स एंड न्यूमरस रिलीजियस लैंड्स. तो दुनिया में वाइब्रेशन खराब होगा या अच्छा होगा. खराब ही होगा. सो विल द वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड बी स्पॉइल्ड और विल दे इम्प्रूव. दे विल सर्टनली बी स्पॉइल्ड. जब भारत स्वर्ग था तो बाप तो ऐसे कहेंगे ना. कल की बात है कोई दूर की बात थोड़े ही है. When Bharat was heaven, the father will certainly say, won't he? It is about yesterday. It isn't about a long time ago. है? उनको कल की बात क्यों लगती है? Why does he feel it to be about yesterday? है? कल की बात इसलिए लगती है कि 5000 साल तो कहाँ रहे? He feels it to be about yesterday because where did he reside for 5000 years? परम धाम में आत्मलोक में. वहां तो कोई क्या कोई प्रकार का संकल्प कोई प्रकार की बुद्धि चलने की बात ही नहीं. इन द सुप्रीम अबोर्ड इन द सोल वर्ल्ड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ थॉट ऑफ द इंटेलेक्ट वर्किंग इन एनी वे देर एट ऑल. जैसे आदमी सो जाता है और फिर उठे गाड़ी वाड़ी ना देखे तो कहेगा तो पता चलेगा कितनी देर. फॉर एग्जाम्पल If a person sleeps and if he doesn't see the clock on waking up, will he come to know how long he slept? है? तो उनको तो ऐसे लगता है कल मैं आया था आज फिर आ गया हूँ. So he feels that it is about yesterday. I came yesterday and today I have come again. कल स्वर्ग स्थापन किया था आज फिर स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ. Yesterday I established heaven and today I am establishing heaven again. रास्ता तो बता ही रहा हूँ ना. हाँ आई एम सर्टनली शोइंग द पाथ एम आई नॉट. यस तो उनके लिए कोई दूर नहीं है. सो इट मीनिंग द टाइम इजंट फार फॉर हिम. हमारे लिए एंड फॉर अस. हमारे लिए जैसे जैसे समय आगे का नजदीक आता जाता है विनाश का टाइम जल्दी जल्दी नजदीक आ रहा है ना. फॉर अस एज द टाइम ऑफ द फ्यूचर कम्स क्लोजर द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज कमिंग क्लोजर रैपिडली इजंट इट. है तो दुख बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है. सो इज सोरो इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग. है दुख बढ़ता जा रहा है. सोरो इज इंक्रीजिंग. तो हमारे लिए तो समय दूर दूर हो गया लंबा हो गया कि छोटा हो गया. सो डिड द टाइम बिकम डिस्टेंट लॉन्ग और डिड इट बिकम शॉर्ट फॉर अस.
अब उन्होंने बातें तो खूब बनाई हुई है। नाउ दे हैव मेड अप मेनी स्टोरीज। कहते हैं समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाभ बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। दे से ओ टाइम पास अवे क्विकली, इन हैप्पीनेस यू डोंट स्टॉप इवन फॉर अ मोमेंट, even if you are kept under 100,000 custodies, and in sorrow you stop completely, what are your ways, o time, pass away quickly. अरे अब जल्दी जल्दी बीतेगा क्या? अरे will it pass away quickly now? स्वर्ग से पीछे नरक में आए हैं, we have come back to hell from heaven, और नरक से स्वर्ग में जाएंगे, and we will go to heaven from hell. तो ये नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक जाने का आने का तुम्हारा खेल है बच्चों का. So this is the game of you children, of coming and going from heaven to hell and from hell to heaven. तो ये खेल बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं. The father sits and explains this game to the children. मनुष्य मनुष्य को तो समझाते रहते हैं. ह्यूमन बींग्स डू कीप एक्सप्लेनिंग अदर ह्यूमन बींग्स. है अब वो कोई सत्संग थोड़ी ही है. वेल दैट इजंट एनी सत्संग, मीनिंग ट्रू गैदरिंग. सिर्फ ये एक ही जगह है जिसको कहा जाता है सत्संग, सत्य का संग. दिस इज द ओनली प्लेस विच इज कॉल्ड सत का संग, मीनिंग The company of the one who is true, Sat. क्योंकि सत बाप आकर के समझाते. Because the true father comes and explains here. और तो बाकी जो भी संग हैं, उनको कहा जाता है झूठ का संग. All the other companies are certainly called the company of falsity. क्यों? Why? सब झूठ बोलने वाले. It is because there everyone speaks lie. घड़ी घड़ी झूठ बोलते रहते. दे स्पीक लाइज अगेन एंड अगेन. क्या? वॉट? तुलसीदास ने भी क्या लिख दिया? वॉट डिड तुलसीदास ऑल्सो राइट? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन. झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, मीनिंग फॉल्स टेकिंग, फॉल्स गिविंग, फॉल्स फूड. है भोजन कैसा झूठा होता? How does the food become false? तो कोई खा ले और उसमें से थाली में से खा ले और फिर उसमें से कुछ गिर जाए तो वो झूठा हो गया. If someone eats from a plate and something falls from it, it becomes jhootha. Meaning, literally means false. Here it means leftover leavings of food. तो ऐसे झूठा. So, is it jhootha in this way? झूठा भोजन कैसा होता है? हाउ इज झूठा फूड? आज की दुनिया में तो चोरी चकारी करते हैं ना. इन टूडेज वर्ल्ड पीपल डू स्टील एंड रॉब थिंग्स, डोंट दे? तो कैसा भोजन हुआ? सो वॉट काइंड ऑफ फूड इज इट? चोरी चकारी करते हैं जैसे झूठा हो गया. दे स्टील एंड रॉब थिंग्स, सो इट बिकेम झूठा इन अ वे. सच्ची कमाई थोड़े ही कहेंगे. It certainly won't be called a true earning. सच्ची कमाई करने वाले तो सच्चा बोलेंगे, झूठ कमाई करने वाले झूठ जरूर बोलेंगे. In fact, those who earn a true earning will speak the truth, and those who earn a false earning will certainly speak lies. तो जो भी ये शास्त्र वगैरह हैं ये भक्ति मार्ग में. So, all these scriptures etc. in the path of bhakti. ये सब भक्ति मार्ग के झूठे शास्त्र हैं. दे ऑल आर द फॉल्स स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति. देखो कितना झूठ बोलेंगे. लुक दे विल स्पीक सो मेनी लाइज. है कहते हैं हनुमान को याद करो. दे से रिमेम्बर हनुमान. है तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे. ऑल योर ऑब्स्टिकल्स विल वैनिश. अब विघ्न दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं के घटते जा रहे हैं. आर द ऑब्स्टिकल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड
और आर दे डिक्रीजिंग? है जो हनुमान को याद करने वाले लाल कपड़े वाले होते हैं उनको बिगड़ नहीं आते क्या? डोंट द वंस हु रिमेम्बर हनुमान द वंस विथ रेड ड्रेस फेस ऑब्स्टिकल्स? उनके विघ्न कम हो रहे हैं के बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आर देयर ऑब्स्टिकल्स डिक्रीजिंग और आर दे इंक्रीजिंग? दे आर इंक्रीजिंग। तो अभी ये बात झूठ बोलते हैं ना, हनुमानों को याद करो है तो बहुत सुख होगा। सो नाउ दे टेल अ लाई बाय सेइंग रिमेम्बर हनुमान देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, डोंट दे? हनुमान को याद करने से क्या होगा? वॉट विल हैपन बाई रिमेम्बरिंग हनुमान? है इससे तो अच्छा है बापू को याद करो। इट इज बेटर टू रिमेम्बर द फादर देन दैट। क्यों? वाई? बापू को याद करने से कैसे अच्छा होगा? हाउ विल इट बी बेटर टू रिमेम्बर द फादर? बाप तो अच्छा ही रास्ता बताते हैं ना। The father certainly shows a good path, doesn't he? ये जो कोई ऋषि मुनि हैं, इनको याद करो तो इनको याद करने से क्या होगा? If you remember these holy men, what will happen by remembering them? है? ये कोई ऊंचे ऊंचे हैं क्या? Are they the highest of the high? याद करना है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को। You have to remember God, the highest of the high. ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को। God the highest of the high? किससे टैली किया? With whom was he compared? है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत माने टैली किससे किया? God the highest of the high means with whom was he compared? कहते हैं ना हनुमान भगवान, गणेश भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान। They say God Hanuman, God Ganesh, God Ram and God Krishna, don't they? Oh, to keh dete hain Bhagwan. They simply call them God. Aba jin ko Bhagwan batai diya. Now all those whom they called God. Jaise dhanwan batai dete hain na. Just like they say dhanwan, wealthy, don't they? Kya batai dete? What do they say? धनवान। ऐसे वो क्या है? धनवान। Similarly, what are they? उनको बता दिया भगवान। They were called भगवान, meaning God. तो नंबर वार होंगे कि एक जैसे होंगे? So will they be that to a greater or a lesser extent, number वार, or will they be that equally? है? हाँ, नंबर वार ही होंगे ना? Student replies, yes. They will certainly be number वार, won't they? तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान को देखना चाहिए ना? So you should see God the highest of the high, shouldn't you? है? तो ऊंचे ते ऊंचे को याद करना है बच्ची। So daughter, you have to remember the highest of the high. है? उसको कहा ही जाता है रचयिता। He is certainly called the creator. जो सबते ऊंच भगवान है उसको क्या कहा जाता है? What is God the highest called? रचयिता। किसका रचयिता? The creator. Whose creator? है देव आत्माओं की दुनिया का रचयिता। The creator of the world of the deity souls. है देव आत्माओं की दुनिया का रचयिता होगा तो पहले खुद देवता होगा। If he, meaning Mahadev, is the creator of the world of the deity souls, will he himself be a deity first? और देवताओं से बड़ा देवता होगा कि छोटा होगा? And will he be a greater deity than the other deities, or will he be lower? बड़ा हो। क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग में उसे? He will be the greatest. What is he called in the path of bhakti? देवदेव, महादेव कहा जाता है। He is called Dev Dev Mahadev, meaning the deity of the deities, the greatest deity. तो रचयिता हुआ ना? है? हाँ. So, he is the creator, isn't he? Yes. उस रचयिता से ही ईश्वर का वर्षा मिलता है. We get the inheritance of heaven from that very creator. उसको रास्ता कौन बताता है? Who shows him the path? हाँ.
उसको रास्ता बताने वाला द वन हु शोज हिम द पाथ है ये ऋषि मुनि तो क्या रास्ता बताएंगे हाउ विल दीज होली मैन शो हिम द पाथ ऊंच से ऊंच रास्ता बताने वाली आत्मा तो वो है जो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आती एक्चुअली द सोल विच शोज द हाईएस्ट ऑफ द हाई पाथ इज द वन दैट डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एट ऑल क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो खुद ही रास्ता भूल जाते हैं इट इज बिकॉज दोज हू कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ दे देमसेल्व्स फॉरगेट द पाथ तो देखो ये बाप बैठे हैं सो लुक दीज फादर्स आर सिटिंग बैठे हैं कि बैठा है आर दे सिटिंग और इज ही सिटिंग अरे बाप बैठे हैं कि बैठा है अरे आर द फादर्स सिटिंग और इज ही सिटिंग अरे दो बेहद के बाप है ना एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप दोनों इकट्ठे बैठे अरे देर आर टू अनलिमिटेड फादर्स aren't there? वन इज द फादर ऑफ ह्यूमन beings एंड द अदर इज द फादर ऑफ द सोल्स बोथ आर सिटिंग टूगेदर कम्बाइंड बैठे हैं कि अलग अलग बैठे आर दे सिटिंग इन अ कम्बाइंड वे और आर दे सिटिंग सेपरेटली कम्बाइंड बैठे एक ही शरीर में दे आर सिटिंग इन अ कम्बाइंड वे इन द सेम बॉडी कोई को बच्चा होगा इफ एनी वन हैज अ सन तो बाप से वर्षा मिलेगा ना He, meaning the son, will get the inheritance from the father, won't he? क्या कोई को माने What? What does anyone mean? अरे दोनों बापों में से कोई एक बाप को बच्चा होगा अरे if any one father between both the fathers has a son, तो किससे मिलेगा From whom will he get the inheritance? वर्षा किससे मिलेगा From whom will he get the inheritance? है? दो बाप हैं देर आर टू फादर्स कोई एक बाप होगा और उससे वर्षा मिलेगा इफ देर इज एनी वन फादर एंड द सन विल गेट द इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम तो किससे वर्षा मिलेगा फ्रॉम होम विल ही गेट द इनहेरिटेंस अच्छा फ्रॉम द कॉर्पोरियल वन अच्छा तो निराकार तो बेकार हो गया देन द इनकॉर्पोरियल वन बिकेम यूजलेस हाँ निराकार बाप से जो आत्माओं का बाप है उसे निराकारी वर्षा मिलेगा यस द इनकॉर्पोरियल इनहेरिटेंस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनकॉर्पोरियल फादर हु इज द फादर ऑफ द सोल्स मिलेगा कि नहीं हाँ विल इट बी ऑब्टेन्ड और नॉट यस तो कोई को बच्चा होगा सो इफ समवन हैज अ सन बच्चा होगा If someone has a son, बच्ची हो तो What if someone has a daughter? अरे निराकार बाप को तो सब बच्चे ही होते हैं कि बच्ची भी होती हैं, नहीं अरे in fact, all the children that the incorporeal father has are sons. Or does he have any daughter too? No. वो तो कहा ही जाता है जब आता है तब ही तो रुद्र यज्ञ रचा जाता है It is certainly said for him that when he comes, it is then that the Rudra Yagya is organized. है? तो वो तो रुद्र बाप के रुद्र बच्चे ही रुद्राक्ष ही होते हैं ना? So they are indeed Rudraksh. The Rudra, meaning fearsome children of the Rudra father, aren't they? Rudraksh, seeds of the tree Eleocarpus Ganitrus, used for rosaries. तो उस बाप को बच्चा होगा तो इफ दैट फादर हैज अ सन उस बाप के पास जो प्रॉपर्टी होगी सोई प्रॉपर्टी मिलेगी वट एवर प्रॉपर्टी दैट फादर हैज द सन विल रिसीव दैट वेरी प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होगी वॉट प्रॉपर्टी विल ही हैव जो आत्माओं का बाप है उसके पास तो क्या प्रॉपर्टी है वॉट प्रॉपर्टी डज द फादर ऑफ द सोल्स हैव अखूट ज्ञान का भंडार है ही हैज द स्टोर हाउस ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नॉलेज क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है बिकॉज ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो तो सब भूल जाते हैं
दोज हु कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉरगेट एवरीथिंग. और वो तो एंड व्हाट अबाउट हिम? वो तो सब कुछ याद रहता है. ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग. तो दो बाप बताए, उनमें से एक होगा ऊंचते ऊंच और एक होगा नीचे. सो टू फादर्स वर मेंशनड, बिटवीन देम वन विल बी द हाईएस्ट ऑफ द हाई एंड द अदर विल बी द लोएस्ट. तो कौन सा ऊंच हुआ? सो हु इज द हाईएस्ट? है वो ऊपर वाला, उसे कहेंगे ऊंच. हाँ, शिव. द वन हु स्टेज अबव दैट इज शिव विल बी कॉल्ड द हाईएस्ट. उसको कहते हैं सदाशिव. ही इज कॉल्ड सदाशिव, ऑलवेज बेनिफिशियल. ऐसे नहीं, कभी शिव माने कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी. इट इजंट दैट समटाइम्स ही इज शिव मीनिंग बेनिफिशियल एंड समटाइम्स ही इज हार्मफुल. और जिस दूसरा बाप है वो तो कमती होगा ना. एंड द सेकेंड फादर विल बी लोअर देन द फादर ऑफ द सोल्स, वोंट ही? तो कैसा होगा? So how will he be? उसको सदाशिव कहें? Should he be called सदाशिव? नहीं, क्यों? No. Why? सदाशिव क्यों नहीं कहें? Why shouldn't he be called सदाशिव? है? वो संगम युग में संपूर्ण बनता है कि नहीं बनता है बाप समान? Does he become complete, equal to the father in the confluence age or not? तो जब समान बना तो सदाशिव हुआ ना? So when he became equal to him, he became Sadashiv, didn't he? हाँ, क्यों नहीं हुआ? Why not? अरे समान फिर का आएगा? अरे then how is he equal? किस बात का समान? He is equal with respect to what? अरे ज्ञान की प्रॉपर्टी में समान हुआ. अरे he became equal with respect to the property of knowledge. बाकी ऐसे थोड़े ही है कि वो सदा काल इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर समान रहेगा. एज फॉर द रेस्ट इट इज इन दैट ही विल ऑलवेज रिमेन इक्वल ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड. रहेगा नहीं? विल ही? नो. वो तो महादेव कहा जाता है ना, देव देव महादेव, देवताओं के बीच में बड़ा देवता. तो बड़ा सुख भोगेगा कि थोड़ा सुख भोगेगा? इन फैक्ट He is called Mahadev, isn't he? Dev, Dev, Mahadev. He is the greatest deity among all the deities. So will he experience more pleasure or will he experience less pleasure? Bada sukh bhogega. He will experience great pleasure. To sukh bhogega to niche girega. So if he experiences pleasure, he will fall. Yeah. What? Sukh to जो जन्म जन्मांतर स्वर्ग में या नरक में भी जो थोड़ा बहुत है क्षण भंगुर सुख हो जाता है तो भोगता है तो है. एज रिगार्ड्स द प्लेजर फॉर मेनी बर्थ्स इन हेवन और इन हेल टू, द लिटिल बिट ऑफ प्लेजर विच बिकम्स मोमेंटरी ही डज एक्सपीरियंस इट. लेकिन जितना जितना सुख भोगता जाता है उतना नीचे गिरता जाता है. But the more he experiences pleasure, the more he falls. और वो आत्माओं का बाप? And what about the father of the souls? वो तो कभी नीचे गिरता ही नहीं. He certainly never falls. वो तो इस सृष्टि पर आता भी है, पतित तन में आता है, पतित शरीर में आता है. He does come in this world. He comes in a sinful body. तो भी संग के रंग में नहीं आता है, नीचे गिरेगा कैसे? Still. He doesn't come in the color of the company. Then how will he fall? सवाल ही नहीं. There is certainly no question of it happening. तो देखो बताया कि वो जो आत्माओं का बाप है वो जिसको वर्षा देगा. So look, it was explained that the one whom the father of the souls will give the inheritance. वो ज्ञान का वर्षा लेने वाला बच्चा हुआ या बच्ची हुई? इज ही अ सन और अ डॉटर, द वन हु टेक्स द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज? बच्चा ही कहेंगे. ही विल सर्टनली बी कॉल्ड अ सन. अब और दूसरी जो आत्माएं हैं उनको क्या कहेंगे? नाउ
व्हाट विल बी सेड अबाउट द अदर सोर्स? ज्ञान का वर्षा किससे मिलेगा? फ्रॉम होम विल दे गेट द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज? किससे मिलेगा? फ्रॉम होम विल दे गेट इट? साकार के थ्रू मिलेगा. अच्छा. दे विल गेट इट थ्रू द कॉर्पोरियल वन? अच्छा. सब तरह का वर्षा मिलेगा साकार के थ्रू. विल दे गेट एवरी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू द कॉर्पोरियल वन? एक होता है बेसिक ज्ञान और एक होता है ऊंचा ज्ञान. ऊंचे दे ऊंचा. वन इज द बेसिक नॉलेज एंड द अदर इज द हायर नॉलेज विच इज द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट ऑफ द हाई. तो क्या जो बेसिक ज्ञान है वो जो और दूसरे ब्रह्मा नामधारी हैं शिव बाप जिनमें प्रवेश करके ब्रह्मा नाम देता है उनसे नहीं मिल सकता? सो कांट दे ऑब्टेन द बेसिक नॉलेज फ्रॉम द अदर्स विद द नेम ब्रह्मा द वंस होम द फादर शिव एंटर्स एंड नेम्स ब्रह्मा? उनसे बेसिक ज्ञान भी नहीं मिल सकता? कांट दे इवन ऑब्टेन द बेसिक नॉलेज फ्रॉम देम? हाँ बेसिक ज्ञान तो मिलेगा ना. यस दे विल इंडीड ऑब्टेन द बेसिक नॉलेज फ्रॉम देम. वोंट दे? मिलेगा. दे विल. ठीक है लेकिन कोई ज्ञान मांगता है. ऑल राइट बट डज एनी वन आस्क फॉर नॉलेज? आत्मा क्या चाहती है? वॉट डज द सोल वॉन्ट? है कि हे पतित पावन आओ आकर के हमको ज्ञान सुनाओ ये कहते हैं नहीं? डू दे से ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल कम कम एंड नरेट अस नॉलेज? नो. कहते हैं पतित पावन आओ हम पतितों को पावन बनाओ. दे से ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल कम एंड प्यूरिफाई अस द सिनफुल वंस. तो पावन कैसे बनावेंगे? सो हाउ विल ही प्यूरिफाई अस? संग के रंग से पतित बनते हैं. वी बिकम सिनफुल थ्रू द कलर ऑफ द कंपनी. संग के रंग से पावन बनते हैं. एंड वी बिकम प्योर थ्रू द कलर ऑफ द कंपनी. तो बाप कहते हैं है, मैं ऐसा तुमको संग का रंग लगाता हूँ. सो द फादर सेज आई कलर यू विथ माई कंपनी इन सच अ वे. किस चीज का? विथ वॉट? है किस बात का संग का रंग लगाता हूँ? आई कलर यू विद द कंपनी ऑफ वॉट? निराकारी स्टेज का. द इनकॉर्पोरियल स्टेज? है नहीं निराकारी स्टेज का संग का रंग नहीं लगाता. नो आई डोंट कलर यू विद द कंपनी ऑफ द इनकॉर्पोरियल स्टेज. अरे निराकारी स्टेज तो बनती ही तब है जबकि बाप की पूरी पहचान हो. अरे द इनकॉर्पोरियल स्टेज इज अटेंड ओनली वेन यू हैव द कम्प्लीट रिकॉग्निशन ऑफ द फादर. अधूरी पहचान होगी तो स्टेज भी अधूरी बनेगी. इफ यू हैव द इनकम्प्लीट रिकॉग्निशन यू विल अटेन एन इनकम्प्लीट स्टेज. तो बताया भाई भाई को वर्षा नहीं देगा. सो इट वॉज सेड वन ब्रदर वोंट गिव इनहेरिटेंस टू अनदर ब्रदर. क्या? वॉट? जो सुख का वर्षा मिलेगा. द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस दैट विल बी ऑब्टेन्ड. वो सुख का वर्षा भाई भाई को देगा क्या? विल वन ब्रदर गिव दैट इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस टू अनदर ब्रदर? है ऐसे क्यों कहा? Why was it said so? मनुष्य सृष्टि में है, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें कोई मनुष्य आत्माओं में बड़ा भाई कोई है ही नहीं. Isn't there any elder brother at all in the human world, among all the human beings, among the human souls? हाँ तो उस बड़े भाई से सुख का वर्षा नहीं मिलेगा. Yes. So won't you get the inheritance of happiness from that elder brother? मिलेगा. है बाबा की बात काट दी. विल यू? यू कट बाबाज वर्ड्स. अरे भाई भाई को तो वर्षा नहीं देंगे ना. अरे ब्रदर्स वोंट गिव द इनहेरिटेंस टू ईच अदर. विल दे? माना ज्ञान से ही वर्षा मिलता है सुख का. इट मीन्स यू गेट द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस जस्ट थ्रू द नॉलेज. ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है. देयर इज हैप्पीनेस थ्रू नॉलेज एंड सोरो थ्रू इग्नोरेंस. हाँ
बड़ा भाई बाप समान होता तो है। यस, द एल्डेस्ट ब्रदर इज सर्टेनली इक्वल टू द फादर। लेकिन बड़ा भाई क्या वो चारों युगों की शूटिंग करने वाला डायरेक्टर है? बट इज द एल्डेस्ट ब्रदर द डायरेक्टर हु इनेबल्स द शूटिंग ऑफ ऑल द फोर एजेस? है। इज ही? डायरेक्टर तो नहीं है। ही सर्टेनली इजंट द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर डायरेक्शन देकर के जैसी जैसी शूटिंग कराता है या करने वाले अपनी आत्माओं की योग्यता अनुसार करते हैं, हैं? अपनी शक्ति के अनुसार। सो व्हाटएवर शूटिंग द डायरेक्टर मेक्स अस परफॉर्म बाय गिविंग डायरेक्शंस और व्हाट द डूअर्स डू अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ देयर सोल अकॉर्डिंग टू देयर पावर, वैसी उनकी शूटिंग होती है। देयर शूटिंग इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट। तो शूटिंग का मूल कारण क्या हुआ? सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द शूटिंग? मूल कारण हुआ ज्ञान। द मेन रीजन इज नॉलेज। माना ज्ञान जो है वो क्या बड़ा भाई देता है? इट मीन्स डज द एल्डेस्ट ब्रदर गिव द नॉलेज? ज्ञान तो बड़ा भाई नहीं देता। अगर कहता है मैं ज्ञान देता हूँ तो झूठ बोलता है कि सच बोलता है? द एल्डेस्ट ब्रदर सर्टेनली डजंट गिव द नॉलेज। इफ ही सेज आई गिव द नॉलेज, डज ही टेल अ लाई और डज ही स्पीक द ट्रूथ? ज्ञान तो उसका नहीं है। इन फैक्ट द नॉलेज डजंट बिलोंग टू हिम। उसका ज्ञान है? नहीं, ज्ञान उसका नहीं होता। डज द नॉलेज बिलोंग टू हिम? नो, द नॉलेज डजंट बिलोंग टू हिम। ज्ञान तो उसका होता है जो सदा काल निराकारी स्टेज में है। इन फैक्ट द नॉलेज बिलोंग्स टू द वन हु इज ऑलवेज इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज। है निराकारी स्टेज में सदा काल होने से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। बिकॉज ही इज ऑलवेज इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो भाई भाई को तो वर्षा नहीं देंगे ना। सो ब्रदर्स सर्टनली वोंट गिव द इनहेरिटेंस टू ईच अदर, विल दे? हाँ, ये है कि सुख शरीर से भोगा जाता है चारों युगों में। यस, इट इज सर्टन दैट हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस्ड थ्रू द बॉडी इन ऑल द फोर एजेस। तो जब शरीर से ही सुख भोगना है ज्यादा ज्यादा जन्मों में, सो व्हेन वी हैव टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस विद द बॉडी इटसेल्फ इन मोस्ट ऑफ द बर्थ्स, तो उसके लिए शरीरधारी बाप चाहिए या नहीं चाहिए? डू वी नीड द फादर हु इज अ बॉडीली बींग और नॉट? शरीरधारी बाप चाहिए। वी नीड द फादर हु इज अ बॉडीली बींग। तो कहेंगे कि बाप तो जरूर चाहिए। सो इट विल बी सेड दैट द फादर इज सर्टनली रिक्वायर्ड। देह का सुख भोगना है तो देह का बाप चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस ऑफ द बॉडी We need the father of the body. आत्मा तो है ही है। The soul is certainly present in the body. तो बताया तो ये बाप हुए। So it was said, these are the fathers. क्या? What? इस दुनिया में जो बाप हैं, वो सब हुए हद के बाप। All the fathers in this world are limited fathers. और एक ऐसे बाप हैं जो बेहद के बाप हैं। एंड देयर आर सच फादर्स टू हु आर द अनलिमिटेड फादर्स। हैं? हद के या बेहद के? लिमिटेड और अनलिमिटेड। बेहद के बाप। दे आर द अनलिमिटेड फादर्स। आत्माओं का बाप और मनुष्यों आत्माओं का बाप। द फादर ऑफ द सोल्स एंड द फादर ऑफ द ह्यूमन सोल्स। दोनों बेहद के बाप। Both are unlimited fathers. बेहद के क्यों? Why unlimited? आत्माओं का बाप कोई एक का कल्याण करने के लिए आता है। Does the father of the souls come to bring benefit to any one soul? एक को ज्ञान देने के लिए आता है। आता तो है सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए। Does he come to give knowledge to any one soul? Actually, He comes to give knowledge to the entire world. लेकिन एक को निमित्त बनाता है। But he makes one soul the instrument. तो निमित्त चालाकी करेगा कि मेरा ज्ञान है। So, will the instrument show cunningness by saying, this is my knowledge?
है नहीं? ज्ञान तो ऊंचे से ऊंचे ज्ञान दाता का है ना? नो, द नॉलेज इज सर्टेनली ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई गिवर ऑफ नॉलेज, इजंट इट? तो वो बेहद का ज्ञान दाता है. सो ही इज द अनलिमिटेड गिवर ऑफ नॉलेज. और सुखदाता किसे कहें? एंड हुम विल वी कॉल द गिवर ऑफ हैप्पीनेस? जो सुख भोगता हो तो वो दूसरों को भी सुख का वर्षा देगा. द वन हु एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस विल गिव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स एज वेल. खुद ही सुख न भोगता हो तो दूसरों को सुख का वर्षा देगा. इफ ही हिमसेल्फ डजंट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस विल ही गिव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स? देगा? नहीं देगा. विल ही? ही वोंट. अरबपति होगा तो अरब का वर्षा देगा. इफ ही इज अ बिलियनर ही विल गिव द इनहेरिटेंस ऑफ बिलियंस. है मल्टी मिलियनर होगा तो मिलियन का वर्षा देगा. इफ ही इज अ मल्टी मिलियनर ही विल गिव द इनहेरिटेंस ऑफ मिलियंस. तो बताया ये दोनों बेहद के बाप है. सो इट वॉज सेड दैट बोथ ऑफ दीज वंस आर द अनलिमिटेड फादर्स. है तो देखो दुनिया में हद के बाप होते हैं जन्म जन्मांतर के. सो लुक देर आर लिमिटेड फादर्स फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ इन द वर्ल्ड. है और उनसे जन्म जन्मांतर वर्षा पाते भी रहते हैं तो भी याद किसको करते हैं? एंड दे मीनिंग देयर चिल्ड्रन डू कंटिन्यू टू अटेन द इनहेरिटेंस फ्रॉम देम बर्थ आफ्टर बर्थ. स्टिल होम डू दे रिमेम्बर? है किसको याद करते हैं? Whom do they remember? Yes. उसी ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करते हैं. They remember that very highest of the high father. फिर भी याद तो उस एक को ही करते हैं. They still remember that one alone. वो एक ही personality है. There is just one personality. वो है बेहद का बाप. He is the unlimited father. बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं. They take the inheritance from the unlimited father. कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा. They say, ओ गॉड, ओ सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल. कहेंगे रहम करो. They will say, हैव मर्सी ऑन अस. तो हे भगवान कहते हैं. हे भगवान हाथ उठाए के हे. सो व्हेन दे से ओ गॉड दे रेज देयर हैंड्स एंड कॉल आउट ओ. तो आया होगा ना सर मुख. सो ही विल हैव कम फेस टू फेस वोंट ही. है हे भगवान देखो कहते हैं ना. लुक दे से ओ गॉड डोंट दे. तो ये भी कहते हैं हे प्रभु. सो दे ऑल्सो से ओ प्रभु मीनिंग गॉड. प्रभु माने? What does प्रभु mean? प्र माने प्रकष्ट रूप से. भू माने जन्म लेने वाला. प्र means in an excellent way and भू means the one who is born. तो प्रकष्ट रूप से जन्म लेने वाला बाप. So the father who is born in an excellent way. कितने बाप हैं जो प्रकष्ट रूप से जन्म लेते हैं? How many fathers are there who are born in an excellent way? है? अरे अटक गए. अरे यू गॉट स्टक. एक है नाम लिखो. देर इज वन फादर राइट हिज नेम. है कहते हैं प्रभु प्रभु. दे से प्रभु प्रभु. एक है कि दो हैं? इज ही वन सोल और आर देर टू सोल्स? है हाँ ये तो दो मिला के एक कर दिए. स्टूडेंट रिप्लाइज Yes, you combined two souls and made them one. शिव और फिर बाबा. शिव एंड देन बाबा. शिव तो कहते हैं मेरा तो नाम शिव ही है वो कभी बदलता ही नहीं. शिव सेज माय नेम इज जस्ट शिव इट नेवर चेंजेस एट ऑल. है तुम आत्माओं का शरीर के ऊपर नाम पड़ता है तो वो बदलता रहता है. द बॉडी ऑफ यू सोल्स इज नेम्ड So it keeps changing. क्यों? Why? क्यों बदलता रहता है? Why does it keep changing? कि तुम आत्माएं भोगी हो तुम तो शरीर के द्वारा भोग भोगती.
इट इज बिकॉज योर सोल्स आर भोगी प्लेजर सीकर्स, यू एक्सपीरियंस प्लेजर थ्रू द बॉडी. मेरे को तो शरीर है ही नहीं. आई डोंट हैव अ बॉडी एट ऑल. तो कहेंगे कि सब मनुष्य सृष्टि की जो भोगी आत्माएं हैं, उनका जो बाप है वो भी प्रभु बाप के समान बनेगा या नहीं बनेगा. सो इट विल बी सेड, विल द फादर ऑफ द भोगी सोल्स ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड ऑल्सो बिकम इक्वल टू प्रभु द फादर और नॉट. प्रकष्ट रूप से भू माने जन्म लेने वाला, प्रत्यक्ष होने वाला संसार में बनेगा या नहीं बनेगा. विल ही बिकम भू मीन्स द वन हु इज बॉर्न इन एन एक्सेलेंट वे, द वन हु इज रिवील्ड इन दिस वर्ल्ड और नॉट. बनेगा ना. ही विल, वोंट ही. तो वो भी तो प्रभु हुआ. सो ही इज ऑल्सो प्रभु. प्रमाणे प्रकष्ट रूप से भू माने जन्म लेने वाला. प्र मीन्स इन एन एक्सेलेंट वे एंड भू मीन्स द वन हु इज बॉर्न. कैसा प्रकष्ट रूप से? इन वॉट एक्सेलेंट वे? उसमें क्या खासियत? वॉट इज द स्पेशलिटी इन इट? और दूसरी आत्माओं की, देव आत्माओं की प्रत्यक्षता नहीं होगी संसार में? वोंट द अदर सोल्स, द डीटी सोल्स बी रिवील्ड इन द वर्ल्ड? या राक्षसी आत्माओं के चेहरे प्रत्यक्ष नहीं होंगे? और वोंट द फेसेस ऑफ द डिमोनिक सोल्स बी रिवील्ड? बाप तो बताते हैं. द फादर डज से. अभी तुम बच्चों के चेहरे तैयार हो रहे हैं जन्म जन्मांतर के. नाउ द फेसेस ऑफ योर चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी फॉर मेनी बर्थ्स. क्या? वॉट? कोई का राक्षसी चेहरा बनेगा. समवन्स फेस विल बिकम अ डिमोनिक फेस. कोई का दैवीय चेहरा बनेगा. एंड समवन्स फेस विल बिकम अ डीटी फेस. कोई का भगवान भगवती के चेहरे बनेंगे. द फेसेस ऑफ सन विल बिकम द फेसेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस. तो देखो, पुकारते रहते हैं, हे प्रभु हमको इस दुख की दुनिया से कोई और जगह ले जाओ. सो लुक, दे कीप कॉलिंग, ओ गॉड टेक अस समवेयर एल्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ सोरो. जहाँ भक्ति मार्ग का धक्का खाते खाते हम हैरान हो गए. वी आर हैरेस्ट बिकॉज ऑफ सफरिंग मिस फॉर्चून कंटिन्यूअसली इन द पाथ ऑफ भक्ति हियर. क्या? वॉट? क्यों हैरान हो गए? वाई आर दे हैरेस्ट? क्यों हैरान हो गए? वाई आर दे हैरेस्ट? कारण? वॉट इज द रीजन? कुछ पता चला? डिड यू कम टू नो एनीथिंग? कुछ पता नहीं. ये लो, एन एक्सप्रेशन यूज्ड ऑन हियरिंग एन अनएक्सपेक्टेड आंसर. यू डोंट नो एनीथिंग. कुछ पता नहीं. यू डोंट नो एनीथिंग. ओहो, सोच के पता कर रहे. ओहो, यू आर ट्राइंग टू नो बाय थिंकिंग. हैरान इसलिए हो गए हैं कि मन जो है जाने कहाँ कहाँ धक्का खाता रहता है. यस, दे आर हैरेस्ड बिकॉज नो वन नोज वेयर द माइंड कंटिन्यूज टू सफर मिस फॉर्चून. कभी कहता इससे सुख मिलेगा, कभी कहता उससे सुख मिलेगा. समटाइम्स इट सेज यू विल गेट हैप्पीनेस फ्रॉम दिस वन, समटाइम्स इट सेज यू विल गेट हैप्पीनेस फ्रॉम दैट वन. है इस दुनिया में परमानेंट सुख देने वाला कोई भी नहीं है. देर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु गिव्स परमानेंट हैप्पीनेस. कोई है? इज देर एनी वन? कोई नहीं है. देर इज नो वन. तो सब हैरान हो गए हैं, धक्के खाते रहते हैं. सो एवरी वन इज हैरेस्ट, दे कीप सफरिंग मिस फॉर्चून. कहते हैं हे प्रभु आप हमको मिलते ही नहीं हो. दे से ओ गॉड यू डोंट मीट अस एट ऑल. हजारों साल, सैकड़ों साल हो गए भक्ति करते करते. Thousands and hundreds of years have passed while doing bhakti. है जो हमको सुख शांति मिले. So that we obtain happiness and peace. तो हे प्रभु हमको सुख शांति का वर्षा कर दियो. So O God, come and give us the inheritance of happiness and peace. तो देखो, सुख शांति का वर्षा तो एक ही बाप आकर के दे सकते हैं. So look,
ओनली द वन फादर कैन कम एंड गिव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। एक ही बाप? ओनली द वन फादर। एक ही बाप है या दोनों बाप? ओनली द वन फादर और बोथ द फादर्स। क्या कहें? वॉट शुड बी सेड? अरे दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। अरे बोथ कम्बाइन एंड बिकम वन। एक सदाकाल पुरुष रहता है। वन सोल ऑलवेज रिमेन्स अ पुरुष। पुरुष माने आत्मा। वॉट डस पुरुष मीन? अ सोल। और एक सदाकाल पुरुष नहीं रहता, कभी स्त्री का जन्म भी लेता है और पुरुष का भी जन्म लेता। एंड द अदर डजंट ऑलवेज रिमेन अ पुरुष मीनिंग मैन। समटाइम्स ही इज बोर्न एज अ फीमेल एंड ही इज बोर्न एज अ मेल टू। जब बाप आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए पुरुष को, परम पुरुष को? When the father comes, what does he, the पुरुष, the परम पुरुष want? वो परम पुरुष को क्या चाहिए? अरे what does the परम पुरुष want? हाँ, परम पुरुष को फिर परम स्त्री चाहिए। Student replies, yes, then the परम पुरुष needs the supreme woman, परम स्त्री। है? तो उसे स्त्री को जब नई सृष्टि रचनी है तो अम्मा कहेंगे ना। सो वेन अ न्यू वर्ल्ड हैज टू बी क्रिएटेड दैट वुमन विल बी कॉल्ड अम्मा मीनिंग मदर वोंट शी। तो शास्त्रकारों ने नाम रख दिया है ब्रह्मा। दिस इज वाई द राइटर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स हैव गिवन द नेम ब्रह्मा। क्या? वॉट? ब्रह्मा ने बड़ी, मामा ने माँ। ब्रह्म मीन्स सीनियर एंड माँ मीन्स मदर। उनको चार मुख दिखाई दिए। ही हैज बीन शोन विथ फोर फेसेस। पांच मुख वाला तो दिखाते ही नहीं है। दे डोंट शो द वन विथ फाइव फेसेस एट ऑल। भूल गए होंगे। दे मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो बताया कि वो जो चार मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं वो भी नंबर वार होंगे कि एक जैसे होंगे? सो इट वॉज सेड that the four-faced Brahma that they show, will they too be of different levels, number war or alike? है? Number war होंगे ना? हाँ. They will be number war, won't they? Yes. तो अर्जुन के रथ में कितने घोड़े दिखाए? So how many horses have been shown in the chariot of Arjun? चार घोड़े दिखाए। Four horses have been shown. कैसे रंग के? Of which color? सफेद रंग के दिखाए। क्यों? They have been shown of white color. Why? सफेद क्यों? Why white? हा? चार घोड़े हैं, चार मुख दिखाते हैं। There are four horses and four faces of Brahma are shown. तो चारों मुख ब्रह्मा के सामने ही दिखाते हैं कि कोई आगे पीछे दाएं बाएं भी दिखाते हैं? So are all the four faces of Brahma just shown in front or are some of them shown in front, behind, on the right and left as well? आगे पीछे दाएं बाएं भी दिखाते हैं ना? They are shown in front, behind, on the right and left as well, aren't they? कोई पूर्व का, कोई पश्चिम का, कोई उत्तर का, कोई दक्षिण की ओर देखने वाला दिखाते हैं ना? They show one looking towards the east, one towards the west. One towards the north and one towards the south, don't they? हाँ, चलो अर्जुन के रथ में घोड़े भी चार हैं। Yes, all right. There are four horses in the chariot of Arjun as well. तो कोई दाएं हाथ का, कोई बाएं हाथ। One is on the right hand side and the other is on the left hand side. बीच वाले हैं तो उनमें कोई दाएं हाथ का, कोई बाएं हाथ का। For those in the middle. Even between them, one is on the right hand side and the other is on the left hand side. तो बताया कि बाप जब आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं तो माँ चाहिए। So it was said, when the father comes and gives the inheritance of happiness and peace, a mother is required. है? और ऊंचते ऊंच बाप हैं। And he is the highest of the high father. तो ऊंचे होते ऊंचे माँ को चुनेंगे पहले। सो विल ही सिलेक्ट द हाईएस्ट ऑफ द हाई मदर एट फर्स्ट? के
एक्स वाई जेड कोई कोई भी चुन लेंगे। हाँ, और विल ही सिलेक्ट एनी वन अमंग एक्स वाई एंड जेड? यस। तो उसका नाम दिया है शास्त्रकारों ने भी परम ब्रह्म। सो द राइटर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स हैव ऑल्सो नेम्ड हिम द हाईएस्ट ऑफ द हाई मदर परम ब्रह्म। क्या? वॉट? महत ब्रह्म, गीता में लिखा है महत ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। इट इज रिटन इन द गीता महत ब्रह्म, दैट इज द मोस्ट सीनियर ब्रह्म। तो वो है पांचवा मुख। सो ही इज द फिफ्थ फेस। क्यों है बड़ा? Why is he the most senior? क्योंकि औरों का मुख तो जो ब्रह्मा के मुख हैं, वो दिशाओं की तरफ इसी दुनिया में दिखाए हैं। It is because the other faces of Brahma are facing the four directions. They have been shown in this very world. और बाकी वो मुख ऊर्ध्वमुखी ऊपर का मुख है। And as regards that fifth face, it is facing upwards. It is the face shown above. है? तो धर्मपिताएं भी इशारा किधर करते हैं? Where do the religious fathers also indicate? भगवान को याद करो तो किधर इशारा करते हैं? ऊपर को इशारा करते हैं। Where do they indicate when they say remember God? They indicate upwards. तो जिस ब्रह्मा का मुख ऊपर की ओर ही है, इसका मतलब कि वो ऊंचते ऊंच भगवान इस सृष्टि पर आता है और ऊंचते ऊंच पार्ट भी बजा के दिखाता है। सो द फेस ऑफ दिस ब्रह्मा इज सर्टनली अपवर्ड्स। इट मीन्स दैट गॉड द हाईएस्ट ऑफ द हाई कम्स ऑन दिस वर्ल्ड, प्लेस द हाईएस्ट ऑफ द हाई पार्ट एंड सेट्स एन एग्जांपल टू। तो कहाँ से आता है? सो फ्रॉम वेयर डज ही कम? ऊपर से कि नीचे से? फ्रॉम अप और फ्रॉम डाउन? कहते हैं पाताल में है नरक। दे से दैट देयर इज हेल इन द नेदर वर्ल्ड मीनिंग बिलो। और स्वर्ग है ऊपर। एंड हेवन इज अबव। तो ऊपर से ही आएगा। अरे स्वर्ग में तो देवताएं रहते हैं, वो तो देवताओं को बनाने वाला है। सो विल ही जस्ट कम फ्रॉम अबव? अरे द डीटीज रिसाइड इन हेवन एंड ही इज इन फैक्ट द क्रिएटर ऑफ द डीटीज। है कौन? हु इज ही? देवता बनाता है ना। ही मेक्स अस इनटू डीटीज डजंट ही? तो बनाने वाला तो और भी ऊंचा हुआ ना। सो द क्रिएटर इज डेफिनेटली हायर इजंट ही? तो देखो वो सुख शांति का वर्षा, वो माता पिता जब दोनों मिलकर के एक होते। सो लुक द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इज रिसीव्ड व्हेन बोथ द मदर एंड द फादर कंबाइन एंड बिकम वन। बड़े ते बड़ी माँ महत ब्रह्म। द मोस्ट सीनियर मदर इज महत ब्रह्म। और बड़े ते बड़ा बाप परम पुरुष। एंड द मोस्ट सीनियर फादर इज द परम पुरुष। उससे बड़ा पुरुष परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। देर इज नो पुरुष ग्रेटर देन हिम। ही इज द सुप्रीम फादर हु हैज नो फादर एट ऑल। परम माता और परम पिता, दे आर द सुप्रीम मदर एंड द सुप्रीम फादर। तो दोनों मिलकर के जब एक होते हैं तब कहते हैं कि एक ही बाप सुख और शांति का वर्षा दे सकते हैं। सो व्हेन बोथ कंबाइन एंड बिकम वन देन इट इज सेड दैट द वन फादर अलोन कैन गिव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। और कोई मनुष्य नहीं दे सकता। नो अदर ह्यूमन बींग कैन गिव इट। माना? व्हाट डज इट मीन? कोई मनुष्य नहीं दे सकता, माने दुनिया में मनुष्य तो बहुत हैं। नो ह्यूमन बींग कैन गिव इट मीन्स देर आर मेनी ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। देर आर 5-7 बिलियन ह्यूमन बींग्स। लेकिन वो एक मनुष्य रूप में है कि वो भगवान भी है, है? उस मनुष्य रूप में। बट दैट वन इन द ह्यूमन फॉर्म He is God through that human form. देवता भी बनने वाला है। That human being is going to become a deity too. और क्या बनने वाला है? And what else is he going to become? मनुष्य भी बनने वाला है। और क्या बनने वाला है? He is going to become a human being too. What else is he going to become? राक्षस भी बनने वाला है।
ही इज गोइंग टू बिकम अ डीमन एज वेल। इस सृष्टि पर वो मनुष्य तन सब रूप धारण करता है या नहीं करता है? डज दैट ह्यूमन बॉडी टेक ऑल द फॉर्म्स ऑन दिस वर्ल्ड और नॉट? सब रूप धारण। ही टेक्स ऑल द फॉर्म्स। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। सो ही इज द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड। उसको कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। अब कोई मनुष्य बिगड़े ले और कोई सुधरे। वेल सम ह्यूमन बींग्स आर स्पॉइल्ड एंड सम आर रिफॉर्म्ड। तो सुधरेलों का भी वो ही बाप एक और बिगड़ेलों का भी वो ही एक बाप। सो ही इज द ओनली फादर ऑफ द रिफॉर्म्ड वंस एंड ही इज द ओनली फादर ऑफ द स्पॉइल्ड वंस एज वेल। बाकी सुख का वर्षा सबको देते हैं। एज फॉर द रेस्ट ही गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस टू एवरीवन। कोई ऐसी आत्मा मनुष्य आत्मा है जिसको सुख का वर्षा न मिले? इज देयर एनी सोल एनी ह्यूमन सोल हु डजंट गेट द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस? कोई न मिले। वोंट यू फाइंड एनी? ऐसी कोई आत्मा नहीं मिलेगी। वोंट यू फाइंड एनी सोल लाइक दिस? हाँ, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। यस एवरीवन रिसीव्स द इनहेरिटेंस ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति ऑन दिस स्टेज लाइक ह्यूमन वर्ल्ड। किससे? फ्रॉम हुम? बेहद के बाप से। फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर। सिर्फ आत्माओं के बाप से या जस्ट फ्रॉम द फादर ऑफ द सोल्स? और आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करे। When the father of the souls enters the father of the human world, तो दोनों बाप से कंबाइंड होकर के वर्षा मिलता है। We receive the inheritance from both the fathers when they combine. दुनिया में भी माँ बाप से वर्षा मिलता है, है? कि अकेली माँ से वर्षा मिलता है कि अकेले बाप से वर्षा मिलता है, है? In the outside world too, do you get the inheritance from both the mother and the father, or from the mother alone, or from the father alone? माँ ही नहीं होगी तो जन्म कहाँ से लेंगे? If you don't have a mother at all, how will you be born? क्या? What? जन्म मिलने के लिए क्या माँ चाहिए कि नहीं? हाँ। Is a mother required to be born or not? Yes. तो बताया और कोई मनुष्य दे तो नहीं सकते हैं। So it was said, certainly no other human being can give that inheritance. और दे भी सकते हो मान लो तो सो भी सुख शांति का वर्षा कितना देंगे? And suppose, even if they can give it, how much inheritance of happiness and peace will they give? औरों के मुकाबले जो बेहद का बाप है उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा सुख शांति का कि औरों से मिलेगा? विल यू रिसीव द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर इन कंपैरिजन टू अदर्स और विल यू रिसीव इट फ्रॉम अदर्स? हाँ तो पूछते हैं सुख शांति का वर्षा कितना? सो ही आस्क्स हाउ मच इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस डू यू रिसीव? कितना? हाउ मच? एक जन्म का है तेरी की नहीं। फॉर वन बर्थ हद तेरी की नहीं एन एक्सप्रेशन फॉर अ रॉन्ग आंसर है 84 जन्म का फॉर 84 बर्थ्स। अरे सुख और शांति ही भरी हुई हो। अरे दोज बर्थ्स शुड बी फुल ऑफ जस्ट हैप्पीनेस एंड पीस। दुख और अशांति का नाम निशान नहीं हो। देयर शुडंट बी एनी ट्रेस ऑफ सोरो एंड रेस्टलेसनेस। 21 जन्म का वर्षा। हा इट इज द इनहेरिटेंस फॉर 21 बर्थ्स। यस तो 21 जन्म के लिए वर्षा वो एक ही बेहद का बाप एक ही बेहद की माँ और एक ही बेहद का व्यक्तित्व। सो द इनहेरिटेंस फॉर 21 बर्थ्स इज रिसीव्ड फ्रॉम जस्ट द वन अनलिमिटेड फादर जस्ट द वन अनलिमिटेड मदर एंड जस्ट वन अनलिमिटेड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी है कि नहीं? इज देयर एनी पर्सनैलिटी और नॉट? एक ही शख्सियत से मिलता है। द इनहेरिटेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम जस्ट वन इंडिविजुअल। माना
उसको भक्ति मार्ग में दिखाई दिया अर्धन आरीश्वर। इट मीन्स ही हैज बीन डिपिक्टेड इन द पाथ ऑफ भक्ति एज अर्धन आरीश्वर, मीनिंग हाफ मैन एंड हाफ वुमन फॉर्म ऑफ शिव इन हिंदू माइथोलॉजी। आधी स्त्री आधी पुरुष, हाफ फीमेल एंड हाफ मेल। स्त्री को कह देते हैं माया है। दे से दैट अ वुमन इज माया। स्त्री को कहते हैं प्रकृति है। दे से फॉर अ वुमन दैट शी इज प्रकृति नेचर। प्रकृष्ट कृति है। शी इज एन एक्सेलेंट कृति। कृति माने रचना। कृति मीन्स क्रिएशन। अरे पहले नंबर की होगी तो प्रकृष्ट ही होगी ना। अरे इफ शी इज द नंबर वन क्रिएशन शी विल सर्टेनली बी एक्सेलेंट वोंट शी। यस। तो बताते हैं कि 21 जन्म का वर्षा जो और कोई से मिल ही नहीं सकता। सो इट इज सेड दैट द इनहेरिटेंस ऑफ 21 बर्थ्स कांट बी रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन एल्स एट ऑल। ऐसा वर्षा जो जहाँ सुख और शांति अखूट हो। इट इज सच एन इनहेरिटेंस विच हैज इनएग्जॉस्टेबल हैप्पीनेस एंड पीस। क्या? व्हाट? सुख और शांति की जगह दुख और अशांति का नाम निशान हो। देयर शुडंट बी इवन अ ट्रेस ऑफ सोरो एंड रेस्टलेसनेस इन द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। तो देखो अब हिसाब करो थोड़ा। सो लुक नाउ कैलकुलेट अ लिटिल। है ये हिसाब करना चाहिए ना। यू शुड कैलकुलेट दिस शुडंट यू। है हिसाब करने के लिए कोई बेसमझ तो नहीं होना। यू aren't ignorant to not be able to calculate this, are you? है अरे थोड़ा तो समझ सकते हो। अरे यू कैन अंडरस्टैंड एट लीस्ट अ लिटिल बिट। क्या? वॉट? कि जब ये सतयुग था है? और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वेन इट वॉज द गोल्डन एज एंड वेन इट वॉज द किंगडम ऑफ दीज लक्ष्मी एंड नारायण। तो मनुष्य कितने होंगे? हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स वुड हैव बीन देयर? थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे? हा वुड दे हैव बीन फ्यू और मोर? यस। एकदम सुख शांति का खूट वर्षा लेने वाले तो बहुत थोड़े होंगे ना। देयर विल बी वेरी फ्यू हु टेक द इनहेरिटेंस ऑफ द कम्प्लीट इनएग्जॉस्टेबल हैप्पीनेस एंड पीस वोंट देयर। फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी। देन एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस ग्रेजुअली वैसे वैसे आत्मा की कलाएं रोशनी कम होती जाती है। द सेलेस्टियल डिग्रीज द लाइट ऑफ द सोल डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो देखो नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे। सो लुक देयर विल बी फ्यू ह्यूमन बींग्स इन द न्यू वर्ल्ड। और जब वो दुनिया पुरानी दुखदाई बन जाती है तो संख्या बढ़ती जाती है। एंड वेन दैट वर्ल्ड बिकम्स ओल्ड एंड इज गिविंग सोरो द पॉपुलेशन इंक्रीजेस मोर एंड मोर। इस दुनिया की यही तो क्या हालात हुए हैं क्या? दिस इटसेल्फ हैज बीन द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट? हिस्ट्री देख लो मनुष्यों की 2500 साल की तो हिस्ट्री है ना। चेक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स द हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स इज सर्टेनली अवेलेबल इजंट इट। क्या देखने में आया? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? संख्या बढ़ती रही है दुनिया की या कम होती रही? हैज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यूड टू इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ मनुष्यों की भी जनसंख्या बढ़ती रही। यस द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूड टू इंक्रीज। और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबकी संख्या में बढ़ोतरी होती रही। एंड द पॉपुलेशन ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स स्पाइडर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो कंटिन्यूड टू इंक्रीज। कम होने की बात नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिक्रीजिंग। क्या? व्हाट? कहते हैं अरे पहले डायनासोर थे अब कहाँ हैं? दे से अरे डायनासोर्स एग्जिस्टेड अर्लियर वेयर आर दे नाउ? अरे डायनासोर चौपाए ही तो हैं। अरे डायनासोर्स आर सर्टेनली फोर लेग्ड। चौपायों को बच्चे पैदा करने के लिए चौपाए चाहिए कि नहीं?
डू द फोर लेग्ड नीड अदर फोर लेग्ड एनिमल्स टू गिव बर्थ टू यंग वंस और नॉट? तो एक तरह का चाहो पाया नहीं सही, तो दूसरे तरह का मिल जा। सो इफ नॉट अ फोर लेग्ड ऑफ वन टाइप दे मे फाइंड अनदर टाइप ऑफ फोर लेग्ड। तो बच्चे तो बढ़ेंगे ना? द नंबर ऑफ यंग विल सर्टेनली इंक्रीज, वोंट इट? बताया, नई दुनिया में थोड़े बच्चे होंगे, पुरानी दुनिया में जास्ती होंगे। इट वॉज सेड द पेरेंट्स विल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन इन द न्यू वर्ल्ड एंड मोर चिल्ड्रन इन द ओल्ड वर्ल्ड। क्योंकि नई दुनिया में एक धर्म होता है। इट इज बिकॉज देर इज वन रिलीजन इन द न्यू वर्ल्ड है, और एक धर्म होने के कारण, एंड बिकॉज ऑफ वन रिलीजन, कौन सा धर्म? देवी देवताओं का सनातन धर्म, सबसे पुराना। विच रिलीजन? द एंशियंट रिलीजन ऑफ द डीटीज, द ओल्डेस्ट रिलीजन। उनसे पुराना और कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन का धर्म होता ही नहीं। नो अदर रिलीजन ऑफ इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी इज ओल्डर देन देयर रिलीजन। और होते हैं बहुत थोड़े वो देवता हैं। एंड दोज डीटीज आर वेरी फ्यू। जितने उच्च कोटि के देवताएं होंगे उतने थोड़े होंगे। द हायर द क्लास द डीटीज बिलोंग टू द फ्यूअर दे विल बी। और जितनी उनकी क्वालिटी गिरती जाएगी उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। एंड द मोर देयर क्वालिटी डिक्रीजेस देयर नंबर विल इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट। तो देखो राजा रानी और प्रजा तो होगी ना। सो लुक There will certainly be a king, a queen and subjects, won't there? तो चलो है, इस दुनिया में एक राजा नहीं। So all right, there isn't just one king in this world. इस दुनिया में तो बहुत राजा हुए। There have been many kings in this world. है, दो तीन चार पांच। There have been two, three, four or five kings. क्योंकि बच्चे तो पैदा होते हैं ना। बिकॉज चिल्ड्रन आर सर्टनली बोर्न टू देम, aren't they? तख्तों पर बैठते हैं तो फिर राजा बनते हैं। When they sit on the throne, they become kings. है? तो पहले पहले तो इस दुनिया में है एक राजा की राजाई होगी या ढेर राजा ही होंगे। सो विल देयर बी द किंगशिप ऑफ जस्ट वन किंग इन दिस वर्ल्ड इन द वेरी बिगिनिंग और विल देर बी मेनी किंग्स? दो चार की राजाई होगी नहीं। विल देर बी किंगशिप ऑफ टू टू फोर किंग्स? नो। पहले पहले तो इस एक की ही राजाई थी। देर वॉज द किंगशिप ऑफ जस्ट दिस वन इन द वेरी बिगिनिंग। किसकी तरफ इशारा किया? हुम डिड ही इंडिकेट? है, लक्ष्मी नारायण की तरफ। लक्ष्मी एंड नारायण? हाँ, जो प्रकाश की लाइट में वातावरण में खड़े हुए दिखाए गए हैं ना। यस, दोज हु हैव बीन शोन स्टैंडिंग सराउंडेड बाय लाइट। उनका दुनिया कौन सी है? व्हाट इज देयर वर्ल्ड? ज्ञान प्रकाश की दुनिया है। इट इज द वर्ल्ड ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। उनकी बुद्धि सदैव कहाँ चलती रहती है? वेयर डज देयर इंटेलेक्ट ऑलवेज रिमेन बिजी? ज्ञान के प्रकाश में चलती रहती। It remains busy in the light of knowledge. क्या ज्ञान का प्रकाश? What light of knowledge? अरे वेद का बाप है ना? अरे he is the unlimited father, isn't he? तो वेद का बाप होगा तो बच्चे भी कितने? वेद के बच्चे। So if he is the unlimited father, how many children will he have? An unlimited number of children. तो सब बच्चों के बारे में कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा? So will he think something for all the children or not? है? और जब सोचेगा तो विस्तार में सोचेगा कि अपने बारे में ही सोचेगा नहीं? And when he thinks, will he think about the expansion or will he just think about himself? No. तो बताया उस एक की ही राजाई थी। So it was said there was the kingship of just that one. है? तो उस एक की राजाई में कितने मनुष्य होंगे? सो हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स विल देयर बी इन द किंगशिप ऑफ दैट वन? बताओ। टेल मी। बाबा पूछते हैं तो धट से बताना चाहिए ना। वेन बाबा आस्क्स यू शुड आंसर इमीडिएटली, शुडंट यू? है, कितने मनुष्य होंगे? एक की राजाई में।
हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स विल देयर बी इन द किंगशिप ऑफ दैट वन? हाँ बताया, एक की राजाई में 500-700 करोड़ मनुष्य हों। यस, इट वॉज सेड दैट देयर विल बी 5-7 बिलियन ह्यूमन बींग्स इन द किंगशिप ऑफ दैट वन। साहब, इस दुनिया में हो साकार शरीर से तो भी उसके कंट्रोल में रहेंगे। Everyone, if they are present in this world through the physical body, they will be under his control. इस दुनिया में न हो, and if they aren't present in this world, सूक्ष्म शरीरधारी हो, if they are subtle bodily beings, क्योंकि बहुत से तो पाप भी तो बहुत करते हैं ना? Because many people do commit a lot of sins, don't they? एटम बम फोड़ते हैं तो कितने की हत्या कर देते हैं? When they explode an atom bomb, how many people do they kill? ढेरों की हत्या कर देते हैं। They kill numerous people. तो बड़े पापी हुए ना? So they are big sinners, aren't they? तो क्या होगा? Then what will happen? सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे कि नहीं? Will they take on a subtle body or not? तो कहाँ रहेंगे? Then where will they live? है? सूक्ष्म दुनिया में रहेंगे कि ये स्थूल बतन में रहेंगे? सूक्ष्म दुनिया। Will they live in the subtle world or in this physical world? In the subtle world. तो चाहे सूक्ष्म बतनवासी हो, चाहे ये स्थूल बतनवासी हो, किसके कंट्रोल में रहेंगे? So whether they are the residents of the subtle world or this physical world, under whose control will they live? है? एक के कंट्रोल में रहेंगे। They will live under the control of that one. एक की राजाई थी। There was the kingship of that one. तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने मनुष्य? So tell me, how many human beings are there at the most? 500-700 करोड़ मनुष्य। 5-7 billion human beings. और थोड़े से थोड़े? And how many are minimum? है? ज्यादा से ज्यादा मनुष्य होंगे वो तो कैसी दुनिया होगी? When there are the maximum human beings, what kind of world will it be? है? उसमें दुख होगा कि नहीं? Will there be sorrow in it or not? हाँ, उसमें तो दुख होगा। Yes, there will be sorrow in it. और जो थोड़े से थोड़े मनुष्यों की दुनिया होगी और एक ही राजा होगा। And when the world is of the minimum human beings and there is just one king, कहते हैं विष्णु का राज्य। It is called the kingdom of Vishnu. तो एक ही विष्णु हुआ ना? है? So there is just one Vishnu, isn't there? एक हुआ? There is just one Vishnu. अरे उसको तो चार भुजाएं दिखाई जाती है। अरे he is shown with four arms. भुजाएं तो चार हैं, वो तो सहयोगी की निशानी है ना, वो तो सब सहयोगी हैं। He certainly has four arms, but they are the remembrance of helpers, aren't they? Actually, they all are helpers. बाकी चलाने वाला तो एक ही आत्मा होगी ना? As for the rest, there will be just one soul who controls them, won't there? है? कि विष्णु को चार मुख दिखाए जाते हैं? नहीं। Or is Vishnu shown with four heads? No. ब्रह्मा को चार पांच मुख दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा is shown with 4-5 heads. वास्तव में वो पांच मुख जो दिखाए जाते हैं, उनमें भी जो बड़े से बड़ा कंट्रोलर है वो तो ऊपर वाला मुख है ना, जो काट दिया गया। Actually, even among the 5 heads that are shown, the head which is upwards, which was cut, is the greatest controller, isn't it? है? अरे काट दिया तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अरे if it was cut, was it good or bad? हा? क्या हुआ? What was it? काट दिया तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? If it was cut, was it good or bad? अरे बताओ ना। अरे tell me, won't you? है? ऐसे करने से क्या पता चले हुआ कि नहीं हुआ? To a student, how will I come to know did it happen or not by doing this? Baba made some gesture. है? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? Was it good or bad? हाँ, बुरा हुआ। अरे कहीं हमारा न काटने लगे, बहुत चालाक। It was bad. अरे he shouldn't start cutting our head. You are very clever. हाँ, अच्छा हुआ। Yes, it was good. क्योंकि आत्मा मुख में रहती है ना?
बिकॉज द सोल रिसाइड्स इन द हेड डजंट इट धड़ में तो नहीं रहती इट डजंट रिसाइड इन द बॉडी डज इट तो धड़ में तो देहवान होता है सो देर इज बॉडी कॉन्शियसनेस इन द बॉडी और मुख में तो आत्मा है ज्ञान इंद्रिया है बट द हेड हैज द सोल एंड द ज्ञान इंद्रिया तो ज्ञान इंद्रिया जिसमें है जो ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगने वाली आत्मा है वो अलग कर दी जाए सो इफ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज द ज्ञान इंद्रिया द सोल हु एक्सपीरियंसेस प्लेजर थ्रू द ज्ञान इंद्रिया इज सेपरेटेड तो अच्छा है या खराब है इज इट गुड और बैड अच्छा हुआ ना फट बदल गया इट इज गुड इजंट इट टू द स्टूडेंट यू चेंज्ड इमीडिएटली हाँ तो बताया वो एक मुख है जो पहले अच्छा पहले ही काट दिया गया यस सो इट वॉज सेड इट इज गुड दैट द वन हेड वॉज कट एट द वेरी बिगिनिंग तो उसको कहा जाता है उसकी दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग है हाँ सो ही इज कॉल्ड हिज वर्ल्ड इज कॉल्ड हेवन यस थोड़े मनुष्य होंगे फिर देन देर विल बी फ्यू ह्यूमन बींग्स स्वर्ग कहा जाता है तो जरूर कहाँ गया इट इज कॉल्ड हेवन सो सर्टनली वेयर डिड ही गो पहले पहले वो कहाँ गया वेयर डिड ही गो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर्ग में गया ही वेंट टू स्वर्ग स्व माने स्व स्थिति में गया स्व मीन्स ही वेंट इन द सोल कॉन्शियस स्टेज तो नई दुनिया में जाएगा या नहीं जाएगा सो विल ही गो टू द न्यू वर्ल्ड और नॉट नई दुनिया में जाएगा He will go to the new world. तो क्या कहेंगे Then what will he be called? नई दुनिया का मालिक या पुरानी दुनिया का मालिक The master of the new world or the master of the old world? लिखो Write it down. नई दुनिया का मालिक आहा The master of the new world. आहा नई दुनिया का मालिक The master of the new world. नई दुनिया का मालिक पुरानी दुनिया का मालिक नहीं The master of the new world. Isn't he the master of the old world? हाँ प्लस लगा दिया Yes, you have added a plus sign. वो पुरानी दुनिया का भी मालिक रहेगा संगम में और नई दुनिया का भी पुरानी दुनिया में 500-700 crore. He will be the master of the old world as well as the new world in the confluence age. There will be 5-7 billion human beings in the old world. और नई दुनिया में And what about the new world? तो थोड़े होंगे ना हाँ देर विल बी फ्यू देर वोन देर यस तो नई दुनिया सो इट इज द न्यू वर्ल्ड नई दुनिया में तो फिर क्या होगा देन वॉट विल देर बी इन द न्यू वर्ल्ड सुख ही सुख होगा और ऊंचे से ऊंच सुख होगा देर विल बी हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस एंड इट विल बी द हाईएस्ट ऑफ द हाई हैप्पीनेस सुख को क्या कहते हैं वॉट इज दैट हैप्पीनेस कॉल्ड है कर्म इंद्रियों का सुख के ज्ञान इंद्रियों का अति इंद्रिय सुख इज इट द हैप्पीनेस ऑफ द कर्म इंद्रिया और द ज्ञान इंद्रिया इट इज द सुपर सेंशुअस जॉय इंद्रियों से परे का सुख यस द जॉय बियॉन्ड द इंद्रिया माने आत्मा का सुख मन बुद्धि का सुख इट मीन्स द जॉय ऑफ द सोल द जॉय ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट तो वहां तो दुख का नाम निशान नहीं हो सकता सो देर कांट बी अ ट्रेस ऑफ सोरो देर तो नई दुनिया में तो सुख ही सुख है उसे कहेंगे 100% सुख देर इज हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस इन द न्यू वर्ल्ड इट विल बी कॉल्ड 100% हैप्पीनेस है और नया बंगला बनाया जाता है एंड व्हेन अ न्यू बंगलो इज बिल्ट नया घर बनाता है ना They build a new house, don't they? तो उस नए घर में तो कितना सुख होता है So there is so much happiness in that new house. आजकल देखो है? और वो ही मकान जब पुराना हो जाता है, है तो देखो कैसा हो जाता है If you see nowadays, when that same house becomes old, look how it becomes. जोर से बरसात पड़ी और चारों तरफ टपा टप टपा टप कहीं सोने की जगह ही नहीं हा इफ इट रेन्ड हैविली देर विल बी लीक्स एवरीवेयर देर वोंट बी एनी प्लेस टू स्लीप एट ऑल यस नींद आराम हो जाए
स्लीपिंग बिकम्स डिफिकल्ट. अरे ऐसा बन जाता है. अरे इट मीनिंग द हाउस बिकम्स लाइक दिस. तो देखो बहुत जोर से बरसात गिरे मूसलाधार तो मकान ही गिर जावे. सो लुक व्हेन देयर आर हेवी रेन्स टोरेंशियल रेन्स द हाउस इटसेल्फ विल कोलैप्स. क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सृष्टि पे एक टाइम ऐसा भी तो आता है. कैसा? सच अ टाइम ऑल्सो अराइव्स इन दिस वर्ल्ड. हाउ? मूसलाधार बरसात रहती है तो सारी सृष्टि जलमयी हो जाती है. When there are torrential rains, the entire world is flooded. तो देखो ये धरती भी तो डुलती है ना. So look, this earth also swings, doesn't it? डुलाईमान होती है ना, भूकंप आता है. It shakes, doesn't it? Earthquake occurs. है? तो कितने मकान गिर जाते हैं? So a lot of houses collapse. गिरते हैं. They collapse. बरसात में भी पुराने मकान गिरते हैं. The old houses collapse during the rains too. अब नया मकान होगा है? तुम्हारी सृष्टि रूपी मकान कैसा होगा? Now if it is a new house, how will your house like world be? तुम्हारी सृष्टि रूपी मकान तो नया होगा तो गिरेगा. Your house like world will certainly be new. So will it collapse? है? नहीं गिरेगा. It won't. नया मकान फिर तब ही गिरेगा जब धरणी हिलेगी. The new house will collapse only when the earth shakes. क्या? What? है? वो स्थूल धरणी. That is the physical earth. और यहाँ वेद में कौन सी धरणी? And which earth is it here in the unlimited? है? वेद में है चैतन्य धरणी. There is the living earth in the unlimited. चैतन्य धरणी रूपी जो कन्याएं माताएं हैं जिनके आधार पर है सारी सृष्टि चलती. If the living earth in the form of the maidens and mothers who make the entire world work according to them, तो वो हिलेगी डुलेगी तो क्या हाल होगा? If they shake, what will be the situation? है? तो क्या होगा? Then what will happen? तो भूकंप आएगा ना. Then there will be earthquakes, won't there? मनसा के भूकंप आएंगे या स्थूल भूकंप आएंगे स्थूल धरती के? Will there be earthquakes in the mind or will there be physical earthquakes of the physical earth? मनसा के भूकंप आएंगे. There will be earthquakes in the mind. बाकी ये है कि पुराना मकान गिरेगा जब बरसात पड़ेगी. As for the rest, it is certain that the old house will collapse when it rains. बंजू हो जाता है. It turns into ruins. ऐसे होता है ना बच्चे? Child, this happens, doesn't it? तो नए मकान को कहेगा सतो प्रधान, पुराने को कहेगा तमो प्रधान. दुखदाई. So the new house will be called Sato Pradhan and the old house will be called Tamo Pradhan, something which gives sorrow. Sato Pradhan Sukhadai. Something Sato Pradhan gives happiness. To Sato Pradhan se Sato phir Rajo phir Pichadi mein aakar ke Tamo banenge. So you will become Sato Samanya, then Rajo and Tamo in the end from Sato Pradhan. Duniya ki har cheez pehle सत्व प्रधान फिर सतो सामा वो क्या नाम रजो फिर तम. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज सत्व प्रधान फर्स्ट देन इट बिकम्स सतो सामान्य देन रजो एंड देन तमो. तो हर चीज दुनिया की ऐसे ही होती है. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दिस. देखो कोई बच्चा है छोटा है बेबी. लुक इफ देर इज अ चाइल्ड If he is small, a baby. उसको बेबी कहा जाता है ना. He is called a baby, isn't he? है? तो उसको कहा जाएगा सतो प्रधान. So he will be called सतो प्रधान. क्यों? Why? है? सतो प्रधान है? He is सतो प्रधान. रोता नहीं कभी? Doesn't he ever cry? अरे रोता है कि नहीं? हाँ. अरे does he cry or not? Yes. फिर सतो प्रधान हुआ. Then is he Sato Pradhan?
कोई बच्चे तो होते हैं माँ बाप की आफत कर देते हैं, इतना कैं कैं करने वाले होते हैं। There are some children who trouble their parents. They are the ones who cry a lot. तो क्या कहेंगे, तमो प्रधान या सतो प्रधान? So what will they be called? तमो प्रधान और सतो प्रधान? तमो प्रधान। तमो प्रधान। तो बच्चा होता है तो सतो प्रधान होना जरूरी है? हाँ। If he is a child, is it necessary that he is सतो प्रधान? Yes. जो बड़े हो गए हैं, बेबी से किशोर हो गए, किशोर से नौजवान हो गए, बूढ़े हो गए, उनके मुकाबले तो सतो प्रधान ही कहेंगे ना। Those who have grown up, who have become adolescent from a baby, who have become young from an adolescent, those who have become old, in comparison to them, children will certainly be called सतो प्रधान, won't they? तो देखो ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, हुँ? So look, there are these noble souls, aren't there? हाँ, वो महात्माएं महान काम करने वाले होते हैं ना, तो सुखदाई होते हैं कि दुखदाई होते हैं? Yes, those noble souls are the ones who perform great tasks. So are they the ones who give happiness or sorrow? सुखदाई होते हैं। They are the ones who give happiness. तो जैसे बच्चे को महात्मा कहते हैं, So just like a child is called a noble soul, तो वो महात्माएं भी ऊंच गिने जाते हैं ना? Those noble souls are also considered high, aren't they? क्योंकि महात्मा लोग फिर जब जन्म मिलेगा तो माता के गर्भ से। It is because when the noble souls are born, they will be born through a mother's womb. और उनको कहेंगे कुखवंशावली। And they will be called कुखवंशावली। है कुखवंशावली, और तुमको कहेंगे मुखवंशावली। क्यों? They will be called कुखवंशावली and you will be called मुखवंशावली। Why? क्योंकि तुम तो मुख से ज्ञान सुन करके ब्राह्मा के बच्चे बनते हो ना। It is because you become the children of Brahma after listening to the knowledge through the mouth, don't you? कि कोक से पैदा होते हो? हाँ। और आर यू बॉर्न थ्रू द वूम? यस। क्या ब्रह्मा के बच्चे कुखवंशावली नहीं होते? Aren't the children of ब्रह्मा कुखवंशावली? हाँ होते हैं, जिनको गोद का बहुत फक्र रहता है कि हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली। यस दे आर दोज हु आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ऑन द लैप एंड थिंक We have been on the lap of Brahma Baba. Gaud lena also means to be adopted. Achha, Brahma Baba ki na sahi, to humne Brahma Kumari ki gaud li. Achha, if not Brahma Baba, we have been adopted by some Brahma Kumari. Koi Brahma Kumar ko follow karne lage. If they started following some Brahma Kumar. ब्रह्मा कुमार ने जैसे चलाया, कुमारी ने जैसे चलाया, वैसे चलने लगे, उनको फॉलो करने लगे। इफ दे स्टार्टेड लिविंग द वे अ ब्रह्मा कुमार और अ ब्रह्मा कुमारी मेड देम लिव, इफ दे स्टार्टेड फॉलोइंग देम, तो क्या कहेंगे? देन व्हाट विल बी सेड? ब्रह्मा की ही वंशावली हुए। आर दे द डिसेंडेंट्स वंशावली ऑफ ब्रह्मा हिमसेल्फ? अरे वंशावली, अवली माने एक के बाद एक, एक के बाद एक पैदा होते जाए। अरे इन वंशावली, अवली मीन्स दे आर बॉर्न वन आफ्टर द अदर। तो वंशावली हुए ना, ब्राह्मण ही कहेंगे ना। सो दे आर वंशावली, aren't they? विल सर्टनली बी कॉल्ड ब्राह्मिन्स, won't they? तो संगम युग में होते हैं सारी दुनिया ब्रह्मा मुख वंशावली। सो इन द कॉन्फ्लुएंस एज द एंटायर वर्ल्ड इज ब्रह्मा मुख वंशावली। तो क्या बनेंगे? सो वॉट विल दे बिकम? नंबर वार महान आत्माएं बनेंगे या नहीं बनेंगे? विल दे बिकम नोबल सोल्स वन आफ्टर द अदर और नॉट? नहीं बनेंगे? बनेंगे। वोंट दे? दे विल। जो जन्म लिया माता के गर्भ से जन्म लिया। वेन दे वर बॉर्न थ्रू अ मदर्स वूम। तो बताया कुखवंशावली है तो विकार से पैदा हुए। सो इट वॉज सेड दैट इफ दे आर कुखवंशावली
दे आर बॉर्न फ्रॉम वाइसेस। और मुख वंशावली है तो मुख से तो ज्ञान सुनते हैं। एंड इफ दे आर मुख वंशावली दे लिसन टू द नॉलेज थ्रू द माउथ। मुख वंशावली है तो ये थोड़े ही कहेंगे कि विकार से पैदा हुए, नहीं? इफ दे आर मुख वंशावली इट वोंट बी सेड दैट दे आर बॉर्न फ्रॉम वाइसेस। नो। अच्छा, विकार से पैदा हुए तो जब बड़ा होगा तो उनको मालूम पड़ेगा। अच्छा, इफ दे आर बॉर्न फ्रॉम वाइसेस व्हेन दे ग्रो अप दे रियलाइज है कि इस घर में से रहने से हमको काम क्रोध लोभ मोह ये सभी हमको जलाते रहते हैं। बाय स्टेइंग इन दिस हाउस ऑल दीज वाइसेस लाइक लस्ट एंगर ग्रीड एंड अटैचमेंट कीप बर्निंग अस दुख देते रहते। दे कीप गिविंग अस सॉरो सताते हैं। दे हैरास अस क्यों? वाई? क्योंकि विकार वे माने विपरीत कारमाना कार्य। इट इज बिकॉज विकार वी मीन्स ऑपोजिट एंड कार मीन्स एक्शन। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य किया। क्या कार्य किया? दे परफॉर्म द एक्शंस दैट दे शुडंट हैव परफॉर्म्ड। व्हाट एक्शंस डिड दे परफॉर्म? जरूर ऐसा कार्य किया होगा फाउंडेशन में। दे विल सर्टेनली हैव परफॉर्म्ड सच एक्शंस इन द फाउंडेशन। कि जब पैदाइश की होगी तो दुख दिया होगा। दैट व्हेन दे गेव बर्थ टू अ चाइल्ड दे वुड हैव गिवन सॉरो। किसने? हु? पुरुष ने या स्त्री ने? द मैन और द वुमन। पुरुषों को कहा जाता है दुर्योधन दुशासन। मैन आर कॉल्ड दुर्योधन एंड दुशासन। तो इस दुनिया में सब हैं दुर्योधन दुशासन सताते ही रहते हैं। सो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज दुर्योधन एंड दुशासन दे जस्ट कीप हैरेसिंग अदर्स। है इसलिए है इस दुनिया से क्या सब भागना चाहते। दिस इज वाई एवरी वन वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जब बहुत दुख बढ़ जाता है तो क्या चाहते हैं? वॉट डू दे विश वेन सोरो इंक्रीजेस अ लॉट? भाग जाते। वी शुड रन अवे। ओम शांति। ओम शांति।